होगा थोड़ा और बना ये सुरक्षा कौन धक्का दे रहा है पीछे से भाई और ये मोबाइल तरफ पीछे करी भाई आप लोग मोबाइल पीछे करी दो भाई आईडी थोड़ा सा मोबाइल पीछे करी भाई भाई कुछ जी अरे हमारा भाई बाग मटल पका भाई साहब नहीं बात नहीं है कथा कबाड़ी जो वीडियो मुझे दिखाया गया आईडी पर भी थोड़ा सा मुझे बताया गया जिस तरह से मोबाइल का है मैं थोड़ा सा मैं खुद ही नहीं और दहशत में है परिवार सब परिवार के सदस्य नीचे करेंगे तो नजदीक हीरेन भाई के घर जा रहे हैं एक पुरुष हैं जो झारखंड में काम करते हैं घबराहट हो रही है कि वो अकेले अकेले क्या करेंगे कल को कोई आके उनके फोन को प्रताड़ित करे पुलिस से उनको सहयोग नहीं मिला कौन हटाओ यार आईडी तुम पीछे नीचे करो नीचे निकल नहीं करो आईडी उठाइए मुझे बता रही थी कि जब वो जाती थी उनको कंप्लेन करने के लिए तो मजाक करते थे हंसते थे जिस तरह से इन्होंने किया है 15 साल की 17 साल की बच्ची है आईडी उठाइए भाई 10 साल का नीचे कर लीजिए नहीं तो खराब हो रहा खराब हो रहा खराब हो रहा फ्रेम खराब इंडिया न्यूज़ वाला काम भाई किसके से आ रहा है ऐसी परिस्थिति को सर्वेश उठाइए अरे नहीं उठा पा रहे हैं प्रशासन तेरी की तो आप लोग चढ़ गए हैं ऊपर कैसे चुप रह सकते और कैसे हो सकता है कि इस देश में आज संविधान दिवस है इस देश में एक संविधान है इस देश में संविधान में लिखा है इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए अगर होते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे मैं बार बार हर दो दिन हर तीन दिन में किसी से मिलती हूँ ऐसा ही हादसा होता है आगरा को देखिए बहुत तगड़ा था आगरा में क्या हुआ लगा लगा हाथरस में क्या हुआ मत यहाँ ना यहाँ क्या हो रहा है दलितों पे अत्याचार हो रहा है क्या सब चुप बैठे सब देखते हैं शांत रहो भैया संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है क्या मतलब है कुछ गिरफ्तारी हुई है शासन और प्रशासन मदद नहीं कर रहा ये कह रहे हैं 11 लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा बस जाइए भाई इससे पहले सितंबर में भी इसी घर में आके मार दिया और 8 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है 2020 में किया दे, और ऊपर करो नहीं 2020 में भी किया 2019 में आईडी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए 2021 में सितंबर में किया अब आते उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले क्यों नहीं रोका जब 2019 में आके किया उन्होंने प्रताड़ित किया तंग किया मारा पीटा उसके बाद 2020 में उसके बाद सितंबर में तो रोका क्यों नहीं है सुरक्षा क्यों नहीं दी यहाँ पर आज चौकी लगाई है वो उस समय भी नहीं लगाई और आगे लगाए मैम मैम दलितों के बारे में सब बड़ी बड़ी बातें करती हैं ये पूरा आपको क्या लगता है कि दलितों के बारे में सिर्फ बात की जाती है क्या जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि दलितों के लिए न्याय नहीं है न्याय नहीं है किसानों के लिए न्याय नहीं है महिलाओं के लिए न्याय न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सत्ता है जो उनके साथ सर्वेश माइक उठाइए संविधान को नष्ट किया जा रहा है संविधान को खत्म किया जा रहा है सरकार के दावों को क्या कहेंगे मैम उस कानून जो मैं यही कह रही हूँ आप सब देख रहे हैं हो गया आप नहीं बोलेंगे अगर मीडिया आज नहीं